हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम रियूज़ करेंगे शॉपिंग बैग का और हम यूज़फुल खास चीज़ बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने शॉपिंग बैग ले ली है, साइड से मैंने जो उसका कोना आता है ना वो कट कर लिया है, आप देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, ये देखिए, यहाँ पे मैंने 6 इंचेस पे कट लगाना है, तो मैं मार्क कर रही हूँ। तो 6 इंचेस पे आप भी कट लगा लीजिएगा। कट लगाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए, ये देखिए, ऐसे कट लगा लीजिए साइड से। तो साइड से हमने कट लगा लिया है और ये दो पार्ट रेडी हो चुके हैं। और फिर ये देखिए, ये दो पार्ट रेडी हुए और ऐसे दो पार्ट और हमने कट किए हैं। तो इसका नाप मैं आपको बता दूं, तो पहले हम इसकी लंबाई बता देती हूँ। 11 इंचिस है, यहाँ से 6 इंचिस की चौड़ाई और दूसरे दो पार्ट हमने लिए हैं 9x6 इंचिस के। तो टोटल हमारे 4 पार्ट हो गए। उसमें हमें क्या करना है, ऊपर से ऐसे फोल्ड करना है और नीचे से भी आपको फोल्ड करना है, साइड से भी फोल्ड करना है, लेकिन मैं अभी बताना रह गया है, आप जरा कर लीजिएगा साइड से भी फोल्ड। अब इसी नाप से मैंने ले लिया है ये ओल्ड बेडशीट का कपड़ा और उसे भी ऐसे ही फोल्ड कर लिया है, देखिए। और इसे भी हम साइड से पहले फोल्ड करेंगे, फिर हम इसे ऊपर से स्टिच करेंगे। उससे पहले हमें इसे साइड से फोल्ड कर लेना है, सारे पार्ट ही जितने भी हमारे पार्ट हैं। तो साइड से भी हमने फोल्ड कर लिया, नीचे भी फोल्ड हो गया शॉपिंग बैग। अब हम इसे जोड़ेंगे, देखिए किस तरीके से आपको जोड़ना है, तो मैं आपको बता दूँ, ऊपर से और नीचे से जोड़ लेना है सारे पार्ट जो है वो आप ऐसे जोड़ लीजिए। फिर ना 2 फिंगर की जगह छोड़ते हुए स्टिच करना है, देखिए चौक से मैं मार्क कर रही हूँ, वैसे ही आपको सारे पार्ट में 2 फिंगर की जगह छोड़ते हुए आपको स्टिच करना है। उसके बाद मैंने ये ओल्ड बेडशीट का टुकड़ा बचा था उसे लिया है 11x9 इंचिस से। देखिए ऐसे आप फोल्ड करके भी कर सकते हैं, या फिर आपको क्या करना है, सारे किनारों पे ऐसे स्टिच करके एक थैला बना लीजिए और इसे सीधा कर लीजिए और यहाँ पे भी पैक कर लीजिए इस तरीके से। देखिए जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब जो सारे पार्ट हमारे थे उसमें से एक पार्ट यहाँ पे साइड में अटैच करेंगे, देखिए दोनों साइड हमने अटैच कर लिया। और ये देखिए दूसरा पार्ट हमने ले लिया है, इसे इस साइड हमें अटैच करना है। उसी तरीके से इसके अपोजिट साइड भी हम अटैच कर लेंगे, ठीक है। ये काम हो गया। अब आपको क्या करना है, ऐसे डोरी ले लेनी है। तो आपको यहाँ पे 20 इंचिस की ये डोरी है, तो आप ऐसी डोरी कोई भी कपड़े से फोल्ड करके बना लीजिएगा। टोटल मैंने 4 डोरी बनाई है और यहाँ पे देखिए हम यहाँ से इसे इस तरीके से इन कर लेंगे, इसके अंदर की ओर जाने देंगे। देखिए जैसे हम पोटली बैग में करते हैं ना, कुछ वैसे ही हमें बनाना है। तो यहाँ पे हमने ऐसे डोरी डाल दी, अब निकाल दीजिए और सारे पार्ट में ऐसे ही डोरी डाल दीजिए। फिर मैंने ले लिया है कार्डबोर्ड, तो कार्डबोर्ड का नाप आपको कैसे लेना है, तो यहाँ पे ऐसे नाप ले लीजिए फिर कट कर लीजिए। तो इसके अंदर हमने देखिए साइड में जगह छोड़ी थी, तो वहाँ पे ऐसे हमें कार्डबोर्ड भराई अंदर डाल देना है, भर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने साइड में कार्डबोर्ड डाल दिया है सारे पार्ट्स में। और अब हम क्या करेंगे, ये जो डोरी है उससे नॉट बांध देंगे। तो ये जो बास्केट हमारी बनने वाली है वो हमारे कबर्ट में बहुत सारी जगह बना देगी और हमारे सारे कपड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। और जब भी आप वो ये जो कार्डबोर्ड है उसे कार्डबोर्ड को निकाल के आप इसे वॉश भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल है और इसमें हमने बिल्कुल पैसा भी खर्च नहीं किया है। और देखिए कितनी मजबूत है और कितनी सारी मेरी कुर्तियाँ रह गई। तो आपको आइडिया कैसा लगा जरूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय भारत, वंदे मातरम।